उसकी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी खबरें जिनका हर रंग अलग है, यानी कि खबरों का सतरंगी अवतार, सत्ते पर सत्ता में। श्रीनगर राजौरी गांधरबल कुपवाड़ा बारामूला शोपिया कश्मीर घाटी का चप्पा चप्पा बर्फ से ढका है। जिस जगह जाइए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में तो 11 इंच तक बर्फ जमी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हर जगह बर्फ की सफेद चादर में कश्मीर घाटी लिपटी हुई है। और अगर हम बात करें श्रीनगर की तो यहाँ 11 इंच बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर श्रीनगर के बाहरी इलाकों की बात करें तो हर जगह 2 से 3 फीट की बर्फ कल दोपहर से अब तक रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, मुगल रोड, श्रीनगर ले रोड सड़क पर बर्फ जमने की वजह से बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में बर्फबारी के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा, कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। जरा श्रीनगर एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए। एयरपोर्ट पर पूरी तरफ बर्फ जमी है, रनवे भी बर्फ से ढक चुका है। यही हाल पूरे कश्मीर का है। पेड़ पर बर्फ है, गाड़ियों पर बर्फ है, घरों पर बर्फ जमा है। इससे बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट सारा बंद पड़ा है। और सड़कों पे भी आप देख सकते हैं मतलब कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, गाड़ियों को भी चलने में दिक्कत हो रही है। बर्फ को हटाने की कोशिशें की जा रही है। बहुत सी जगहों पर बिजली भी काट दी गई है। मौसम विभाग ने ऊंची पर्वतीय जगहों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि 4 और 5 तारीख को एक सिस्टम आ रहा है जिसके कारण जो है मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है प्लेन्स और हायर रिज दोनों में, और कुछ हायर रिज में हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया की है, जहां भारी जाम लगने से लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। वहीं माता वैष्णो के दरबार पर भी बर्फ बरस गई है। वैष्णो देवी में भी बर्फबारी हुई। ऑलरेडी प्रिडिक्शन थी कि बर्फबारी हो रही है, और खासकर जो बिजबेरा टू शुपियन जो रोड है कितना खराब रोड है, आप खुद देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब हम वहाँ मेन टाउन से यहाँ तक पैदल चले और आगे हमें जैनपुरा तक जाना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लाहौल स्पीति और मनाली में भी एक बार फिर से बर्फबारी हुई। कुल्लू जिले में 6 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में बदलाव आया है जो आगे भी जारी रहेगा। और इन दिनों में ये रहेगा कि बीच बीच में जैसे विजिबिलिटी फॉग सिनेरियो आ सकता है अगले 2 दिन में, लेकिन 5 और 6 के बीच में फॉग उठ जाएगा, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से जो फॉग का सिचुएशन रहेगा उसमें काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और थोड़ा बारिश भी है 5 और 6 तारीख। वहीं उत्तराखंड के लिए आने वाले 2 दिन भारी पड़ सकते हैं। आज और कल उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, इससे ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। वहीं अगले 36 घंटों के दौरान कई स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही शासन ने सभी जिलाधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों के बाद अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां ठंड के साथ साथ अब बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में कोहरे से परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।